एंटी कमुटेटिव डॉट प्रोडक्ट इज कमुटेटिव बट दिस इज एंटी कमोटेटिव यू कैन से कि इन दोनों की मैग्नीच्यूड दोनों के बराबर हैं ऐसे लिखेंगे हम इसको मैंने जो ये वाली बुक है ना इसमें इसमें ये ये क्या करता है ये बुक वाला कि ये एरो नहीं डालता वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ये क्या करता है जो भी बोल्ड है ना बोल्ड ये फॉन्ट चेंज कर देता है ठीक है तो हम हम नहीं ना कर सकते कॉपी पे फॉन्ट चेंज हम मोटा ए कैसे लिखेंगे हम बोल्ड में कैसे लिखें ए हम ऐसे थोड़ा करते रहेंगे तो इसलिए हम नहीं करते इसलिए हम तो ए के ऊपर वैक्टर डालेंगे जैसे इसने नहीं डाला है यहाँ ये ए क्रॉस बी लग रहा है कि इसने वैक्टर भूल गया है भूला नहीं है ये क्या करता है जो बोल्ड uh, लेटर में लिखा जाता है ना उसको बोलता है कि जो बोल्ड में मैंने लिखा है वो वो वेक्टर है तो एन भी ये चीज़ ऐसा करती है कई बार तो घबराना नहीं इसको देख के हमने वेक्टर डालना है हम कॉपी पे बोल्ड नहीं कर सकते कंप्यूटर पे बोल्ड कर सकते हैं कॉपी पे कैसे बोल्ड करें तो इसलिए क्या पहली बात क्या बताइए आपको कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए वेरी सिंपल इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है हमें बड़े अच्छे से मालूम है मैं आपको बता देता हूँ ये देखो हम ऐसे इसको डिमॉन्सट्रेट कर सकते हैं मैंने आपको पहले भी जब मैंने आपको राइट हैंड थम रूल सिखाया था मैंने तभी आपको क्लियर कर दिया था ये देखो अगर ये ए है ये बी है ठीक है और ए क्रॉस बी इसमें लेना है मुझे तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी कैसा आएगा इसमें ए क्रॉस बी जो आएगा वो ये आएगा आना चाहिए अब आपको अगर अब आप नहीं आता है तो फिर आप प्रीवियस वीडियोस देखने के बिना इस वीडियो के अंदर एंटर नहीं करो दिस इज ए क्रॉस बी दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी आर लाइंग और यू कैन से परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी और बी क्रॉस ए कैसा होगा अगर मुझे बी क्रॉस ए लेना होगा इसका राइट हैंड यूज़ करके आपको बड़ी क्लियरली दिखाई देगा कि इसका जो बी क्रॉस ए आएगा वो ये आए क्रॉस आए दिस इज बी क्रॉस ए ये आपकी कॉपी पे फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसे लिखी होनी चाहिए कि ये देखो यार ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो हैं वो क्यों सेम नहीं है डायरेक्शन की वजह से मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या आएगा ए बी क्रॉस ए बी साइन थीटा बी ए का बी ए साइन थीटा एक ही बात हुई बी ए साइन थीटा ए बी साइन थीटा इज सेम थिंग इज सेम थिंग जब आप दो टू और थ्री को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो थ्री इंटू टू करो टू इंटू थ्री करो थोड़ा फर्क पड़ेगा ठीक है तो अब क्लियर हो गया ये आपको इसी बेसिस पे हम एक बात करने जा रहे हैं जरा ध्यान देना I क्रॉस i किसके बराबर होगा हमें बड़े अच्छे से मालूम है ध्यान देना प्लीज ध्यान देना प्लीज ए बी साइन थीटा वट इज ए मैग्नीचूड ऑफ ए यहां पे ये ए है और ये बी है मैग्नीच्यूड ऑफ ए मैग्नीच्यूड ऑफ बी यूनिट वैक्टर है ना ये तो इंटू साइन थीटा साइन जीरो खत्म कहानी जब साइन जीरो हो गया फिर तो सब कुछ जीरो हो गया तो मैं कहूंगा ये क्या बना ये जीरो वेक्टर बना नल वेक्टर बना आप जीरो भी बोलोगे तो भी चलेगा लेकिन जीरो वेक्टर बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहता है ठीक है तो जीरो वेक्टर बोल दो लिखा भी हुआ इसने इट इज अ नल वैक्टर ए क्रॉस सॉरी अरे ये तो जर्नल बन गया ना कि देखो ए क्रॉस ए क्या आएगा ए डॉट ए क्या होता था वो उधर याद रखो वो अपनी जगह याद रखना आप कंफ्यूज नहीं हो जाना इसके साथ इक्वल क्यूं टू जीरो खत्म जीरो क्यों जीरो क्योंकि साइन जीरो आएगा ए और ए के बीच में एंगल जीरो होता है तो ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा जीरो दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा जीरो इसलिए ये एक प्रॉपर्टी बन गई जैसे परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कहां पे जैसे परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने डॉट प्रोडक्ट में आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर दो वैक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू तो क्या होता है जीरो इसी तरह से यहां पे अगर दो 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 वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे एंटी पैरेलल का मीनिंग भी समझो बताया होगा मैंने पहले भी लेकिन दोबारा बता देता हूं ये हो गए पैरेलल मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है ये हो गए पैरेलल ये हो गए एंटी पैरेलल पैरल हैं बट डायरेक्शन क्या है उल्टी इसलिए इसलिए ये हो गए एंटी पैरल और ये हो गए पैरल पैरल के बीच में एंगल कितना होता है जीरो डिग्री एंटी पैरल के बीच में एंगल कितना होता है वन एटी डिग्री साइन जीरो कितना होता है जीरो साइन वन एटी कितना होता है जीरो याद रख लो नहीं मालूम तो नहीं मालूम तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूजें याद रख लो पूरी ट्रिग्नोमेट्री पे मैंने वीडियोस बनाए हैं लेकिन फाइन अगर नहीं मेरे को अगर वो सारी वीडियो नहीं देखना चाहता हूँ तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं 120 पे याद रखो कॉस 120 कितना होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है वो आपको मालूम है क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको मालूम होना चाहिए पैरोग्राम लॉ में आपने वन डिग्री का एंगल एक वन डिग्री आपके दिमाग में आती ही एक स्पेशल बात याद आनी चाहिए वहाँ पर उसी तरह से आपको साइन वन मालूम होना चाहिए कॉस वन मालूम होना चाहिए उसी तरह से साइन जीरो मालूम होना चाहिए कॉस जीरो मालूम होना चाहिए दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग्स तो इसी तरह से मैंने क्या बताया आपको कि जब पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा जीरो आएगा विद रीज़न पता होना चाहिए इसी तरह से आई आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इज अ नल वैक्टर इज अ नल वैक्टर जीरो नहीं बोलना है आपने इज अ नल वैक्टर बोलोगे तो ज्यादा ज़्यादा अच्छा रहेगा इफ टू वैक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर थीटा इक्वल टू नाइनटी डिग्री साइन थीटा इक्वल टू वन दिस इज इक्वल टू दिस कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है लेकिन एक जरूर बात करूंगा मैं इसके साथ कि अगर आई क्रॉस जे होता तो क्या आंसर आता वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बताने जा रहा हूं अच्छे से याद रखना है आपने आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा आई क्रॉस जे इक्वल टू होता है ध्यान देना प्लीज आई क्रॉस जे इक्वल टू होगा वन इंटू वन इंटू साइन नाइन्टी आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है नाइन्टी डॉट लेते थे तभी जीरो हो जाता था क्योंकि वहां कॉस होता था तो साइन नाइन्टी इंटू एन कैप भी है याद नहीं भूलना इक्वल टू आंसर आ गए मैग्नीच्यूट तो वन आ गया इतना पता चल गया लेकिन एन कैप के बारे में जरूर बात करूंगा आपके साथ अगर आपको आई और जे याद हो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड देयर इज अ जेड एक्सिस एंड देयर इज अ जेड एक्सिस ये जेड एक्सिस यहाँ है जो मैंने आपको बताई वो पेन से मैंने बताया था वो खड़ी है इसके ऊपर तो मेरे को क्या मालूम है आई क्रॉस जे का आंसर क्या आया वन आया मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर है डायरेक्शंस नहीं बोलोगे आप कोई बोलेगा ए आई क्रॉस जे का आंसर वन है मैंने वन याद रख लिया तो गलत हो गया मुझे उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बात करनी है द डायरेक्शन विल बी अलोंग जेड एक्सिस एंड मी टेल यू यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के इसलिए मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा के कैप के कैप तो जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के कैप इसलिए इनमें से देखो अब बड़ा सिंपल अब याद करना कैसे है ठीक है कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया अब याद कैसे करें देखो मैं लिखता हूं आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप आई क्रॉस आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे कैप के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप फिर फिर और भी सब लिखेंगे हम ठीक है और क्या आया और बताओ मैं बताता हूँ और वो मैं लिखूँगा जे क्रॉस के इक्वल टू जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई कैप मुझे मालूम है आपको यह समझ आ रहा है कि के कहां लगाना है जे कहां लगाना है देखो जिन दो का क्रॉस प्रोडक्ट है वो नहीं आएगा जो तीसरा बच गया वो आएगा जैसे जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट है तो जे और के दोनों आंसर में नहीं आएंगे कौन आएगा तीसरा कौन बच गया आई जे के तो होते हैं तो आई बच गया तो आई आंसर आएगा लेकिन टेंशन मुझे सिर्फ इस चीज की हो रही है सर प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा तो प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा कैसे याद रखना है अच्छे से सुनना है आपने मैं आपको बताता हूं ये इस डायग्राम को भी देखने की जरूरत नहीं है मैं आपको बताता हूं ऐसे ही कर लो आई जे और के ऐसे लिख लो ठीक है कोई आपसे पूछे के क्रॉस जे आंसर पता है मुझे आई लेकिन ये डाउट हो रहा है कि प्लस आई या माइनस आई तो क्या करना है ये देखो मैंने ऐसे सर्कल बनाया था ना के से जे की तरफ जाने के लिए आपको कैसे मूव करना पड़ रहा है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़े तो माइनस देख लो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ रहा है जब क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा तो प्लस वेरी सिंपल जैसे आई क्रॉस के कोई पूछेगा तो ये भी एंटी क्लॉक वाइज मूव किए आप माइनस जे अगर अगर आपको आई क्रॉस जे कोई पूछेगा इस बार आप कैसे मूव किए क्लॉक जब क्लॉक मूव करना पड़े आपको तो प्लस आएगा एंटी क्लॉक मूव करना पड़ जाए तो माइनस आएगा वेरी सिंपल यही बात इसने भी लिखी है मैंने थोड़ा डिफरेंट ढंग से बताया लेकिन बात वही है कोई मुश्किल इसमें आपको आनी नहीं चाहिए ठीक है ये वाली प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है इसको पढ़ लो खुद ही पता चल जाएगा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वेक्टर प्रोडक्ट का एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ठीक है यह भी कुछ नहीं है इसको भी हम न्यूमेरिकल यह भी मैं अभी डिस्कस करने लगा हूं यह भी मैं अभी डिस्कस करूंगा देखो अब क्या अगर मैं आपको बोलूं ए वैक्टर है थ्री आई माइनस फोर जे प्लस फाइव के और b वेक्टर इक्वल टू है 2i आई प्लस टू जे माइनस के मैंने ऐसे ही ले लिए दो वेक्टर्स ये और आपको बोला कि आप लोग फाइंड करो a क्रॉस b डॉट आता है आपको डॉट का आंसर तो स्केलर में आंसर आता है सिक्स माइनस एट माइनस सिक्स माइनस फाइव खत्म सिक्स माइनस एट माइनस फाइव खत्म क्वेश्चन ठीक है डॉट प्रोडक्ट सिंपल है लेकिन क्रॉस इतनी सिंपल नहीं है इन दोनों का लेना कैसे करेंगे क्रॉस में आपको बड़े अच्छे से मालूम है जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा नाइन टर्म्स टोटल आनी है लेकिन नाइन टर्म्स में से कुछ कैंसिल हो जाती हैं कैसे जब आप आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा जब आप आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा जीरो तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट तो जीरो आने वाला है इन दोनों का आई इंटू जे है थ्री इंटू थ्री इंटू टू तो सिक्स हो गया आई इंटू जे क्या आई क्रॉस जे क्या आएगा आई क्रॉस जे के आएगा प्लस के आएगा देख लेना प्रैक्टिस करनी है इस पर आई क्रॉस के क्या आएगा माइनस जे आएगा तो ऐसे करके इसकी तीन टर्म्स बनी जिनमें से एक जीरो हो गई यानी दो ही बची इसकी भी दो बचेंगी इसकी भी दो बचेंगी भी दो टोटल सिक्स आएंगी ऐसे भी आप कर सकते हो जैसे मैंने आपको अभी सिखाया लेकिन एक शॉर्टकट है एक सिंपल मैथड है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मैथड है उसको आपने अच्छे से देखना है मैं क्या बात करने वाला हूँ कैसे करना है मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट सिखाया था वीडियो नंबर फाइव मैथमेटिकल टूल्स वीडियो नंबर फाइव मैथमेटिकल टूल्स याद रखना जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हुई है वो वो उसको पढ़ना है वीडियो नंबर फाइव मैथमेटिकल टूल्स डिटर्मिनेंट लेना कैसे लेना ये पहले सीखना लेकिन फर्स्ट रो लिखनी है आपने आई जे के वीडियो नंबर फाइव में मैंने सिखाया था डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं देखो ये यूज हो गया थ्री माइनस फोर फाइव आपको समझ आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ ये वाले ऊपर वाले तीन ए के ए के तीनों कोफिशेंट यहाँ लिख दिए बी के कहाँ लिखूंगा आपको पता चल गया चला तो ये कहानी हमने लिख दी ए क्रॉस बी के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा अपने आप आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट निकालना प्लीज़ अच्छे से आपने उस वीडियो में देखना मैं यहां ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला मैं लिखूंगा आई पहला ये एलिमेंट फिर आपको बताया था मैंने इसको भी छोड़ दो इसको भी छोड़ दो ठीक है क्या बच गया फोर माइनस टेन तो फोर माइनस टेन फिर माइनस जे आपको मालूम है माइनस जे लेते हैं हम सेकंड वाले को माइनस लेते हैं हमेशा ठीक है यहां पे तो फर्स्ट कॉलम में होंगे ही हमेशा आई जे के तो माइनस जे और फिर क्या करो फिर क्या करो फिर इस, इसको छोड़ दो इस वाले को छोड़ दो जे वाले की कॉलम भी छोड़ दो जे वाले का रो भी छोड़ दो क्या बच गए ये ये बच गए माइनस थ्री माइनस टेन माइनस थ्री माइनस टेन फिर प्लस के प्लस के में क्या आएगा के वाली रो को भी छोड़ दो कॉलम को भी छोड़ दो बच गया सिक्स प्लस एट और आंसर मेरा पता क्या आ गया माइनस सिक्स आई माइनस सिक्स आई प्लस थर्टीन जे प्लस फोर्टीन के प्लस फोर्टीन के थोड़ा सा टाइट हो गया आप अच्छे से अपनी कॉपीज़ पे ज़रूर लिखना मैंने आपको बता दिया कहीं मेरे से प्लस माइनस में गड़बड़ हुई हो तो आप चेक कर लेना लेकिन क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको लेना मैंने पहले भी सिखाया हुआ है वीडियो नंबर फाइव मैथमेटिकल टूल्स जिसके अंदर क्रैमर रूल सिखाया था और क्रैमर रूल के अंदर मैंने आपको डिटर्मिनेंट लेना सिखाया था तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ जिस जिसने नहीं देखा होगा मेजोरिटी लोगों को आता है लेकिन जिनको बाई चांस दो चार स्टूडेंट कोई होंगे जिनको नहीं पढ़ा होगा तो वो प्लीज़ वहाँ से कंसल्ट ज़रूर करें थैंक यू वेरी मच